बहुत अच्छा मंच है ये फिल्म मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए. मार्केट जो होती है ज़्यादा निर्माता लोग यहाँ पर आते हैं, डायरेक्टर्स भी. मैं निर्माता की हैसियत से यहाँ पर हूँ. बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने दिया है, जहाँ पर आप द बिजनेस साइड देख सकते हैं फिल्म्स का, स्पेशली सारा इंडिपेंडेंट फिल्म्स. तो जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स को जैसे एक रेगुलर माहौल में कहीं जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर वो बिजनेस कंडक्ट कर सके, अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से भरा हुआ है वो बाकी जगह. सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं. फॉरेन फिल्म मेकर्स जो इंडिया में फिल्म बनाने आते थे, तो उनको मोस्टली 20 से 25 एजेंसियों से क्लियरेंस लेना पड़ता था. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ट्राई कर रही है कि एक वो बॉडी बनाए जहां से एक बार क्लियरेंस लेना, उसके बाद कितना इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये जी, ये इस जो प्रस्ताव रखा गया था उसके अर्लियर कमेटी में मैं भी था, तो यही था कि ये जो मुश्किल है, खाली फॉरेन नहीं इंडियंस को भी परमिशन इतनी लेनी चाहिए. हर देश में फिल्म कमीशन्स हैं, यहाँ पर फिल्म कमीशन सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाई जाए, और फिर हर स्टेट में भी फिल्म कमीशन होनी चाहिए. और इसमें सहूलियत भी होगी, अपॉर्चुनिटी भी बहुत आएगी लोकल्स को, जॉब्स मिलने में, अपॉर्चुनिटी मिलने में. आई थिंक फिल्म कमीशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी इंडस्ट्री को. भारतीय सिनेमा 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, कितना बदलाव आपने पिछले 100 साल में अगर उठाकर देखें, कितने बदलाव हुए? नहीं, ये तो बड़ी लंबी चर्चा का वो है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब 100 साल हो रहे हैं मैं एक हिस्सा हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, तो मैं अभी इतना ही कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बहुत बातें हैं करने के लिए. आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? अभी हम अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं चौरंगा, और निर्देशक विकास मिश्रा हैं नए, ओनिर और मैं प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो को प्रोडक्शन में थी यहाँ पर लास्ट ईयर. फिर ओनिर की फिल्म है, और यहाँ पर एक जो हमारा एक और प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है उसका नाम है तंजू, वो भी हम शुरू करेंगे 2013 में. थैंक यू सो मच.